आओ प्रभो आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ, हे गिरधर तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी जाओ। यशोदा के लाला तोरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे तो प्यारी बांते मेरो मन मोए, प्यारी बांते मेरो मन मोए, देख चबी बली हारी में जाओ, देख चबी बली हारी में जाओ, देख चबी बली हारी में जाओ, देख चबी बली हारी में जाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। हरि बोल, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जितने तारी दुनिया तारी, जितने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाओ, उन्हें चरणों में शीश नवाओ, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाओ, उन्हें चरणों में मैं शीश नवाओ।
के बिहारी तोरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तोरी आरती गाओ। जय हो व्यात दात जी के नात आपे हो, व्यास दास के नात आपे हो, व्यात दात जी के नात आपे हो, व्यास दास जी के नात आपे हो, दुखे दुख जीवन सात नाते हो, दुखे दुख जीवन सात आपे हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, के बिहारी तोरी आरती गाऊं, के बिहारी तोरी आरती गाओ। गौर गौरंगनावतार सतारकारं मुजेन्द्रार सदावतारं भवानी सहित प्रभाव मंदल माला कपाल काल कपाल माला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय काली लोकांगण वंदिनी चरण तोड़ान पाई न रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंद पूज भावे ओवारी नमने नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु तका तमेव तमेव वैद्यागण तमेव तमेव सर्व देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हार्दिकं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मन्त्रवसपाञ्जलिः ॐ जन्नेन जनमयन्नति वासान धर्मान् प्रथमान् सन्नति हनाकं महिमानः सजन्त जद्रवोर्वेशाध्या शन्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसिद्धसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम वारमेश्यम राज्यम महाराज्यम धीमंत समंत वर्याय स्यात्
सर्वभौमः सर्व आयुषान्धात् प्रवेशमुद्रपर्यन्तायकरार्दि श्लोको भिगतोमर्दः परमेष्ठारवमर्थस्थापितग्निः आविशदशकामरुस्वदेवा सभासदयति ॐ यज्ञनन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णुचरित्राय विद्महे दशावताराय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्बकवाटलाब्जे पुन्नाजगादिकरवीरसालवस्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पान् समर्पयामि सर्वेभ्यो देवभ्यः प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय आइए परम मंगल में परमात्मा भगवान का ध्यान करते हुए श्री राधा माधव का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे श्री राधे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर राधा माधव को अपने हृदय में आपित करते हुए आज कथा के सप्तम दिवस में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। आज कथा का सातवां दिन जीवन दायिनी भगवान की कथा श्रवण कर आज हम उस पड़ाव पर पहुंचेंगे। जिस पड़ाव पर राजा परीक्षित पहुंचे हैं, राधा माधव को अपने हृदय पर आपित करते हुए देवादिदेव महादेव के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वीर बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर ग्राम देवता ग्राम देवी कुल के देवता कुल की देवी स्थान के देवता स्थान की देवी अपने अपने पूर्वज पितृ देवता पितरों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी और अपनी ताली को पवित्र करेंगे। हम लोग भगवान का स्मरण करेंगे। आइए जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना सहयोग दिया है, दीपक सुरेश राव साबड़े बेला, उन्होंने 1001 रुपये का अनुदान किया है वृंदावन आश्रम के लिए, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। वृंदावन में एक भव्य आश्रम निर्माण और जिनको भूमिदान 2 गज जमीन 1 गज जमीन 5 गज जमीन जिसको भी देना है अपने पूर्वज के लिए अपने पितरों के लिए आप दे सकते हैं। बेते जबलपुर से सो मालती प्रजापति उनके तरफ से भी
1100 रुपए का दान वृंदावन के आश्रम के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए। जो भक्त निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं उनका बहुत बहुत आदर है। रेशमी ठाकुर उनके तरफ से 501 रुपए का अनुदान, जोरदार तालियों से, ताली बजाने में कंजूसी मत करो, बहुत बहुत साधुवाद। ललिता कोट नायके, ललिता कोट नायके की तरफ से भी 1001 रुपए का अनुदान भगवान के चरणों में वृंदावन के आश्रम के लिए, जोरदार अभिनंदन, साधुवाद। भगवान आपको इस पितर पक्ष में आपने साधु ब्राह्मण भोजन का करवाकर अपने पितरों को सदगति प्राप्त करवा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, आप सभी का धन्यवाद है। आइए आज श्रीमद् भागवत की कथा पंचम दिवस में हम लोग पहुंच रहे हैं, सप्तम दिवस में आज कथा का विश्राम है। जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, कहते हैं 7वें दिन बैठकर भी कथा सुन ले, उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मिल जाता है। और आज नागपुर से पडोले जी की आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जो सप्तम दिवस पे पहुंचे हैं। टीम के तुम्हारे अब देखिए टिमकी का नाम तो आ गया, लेकिन टिमकी का सरने में ही भूल गए, बंदोले बुंदेले परिवार, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा कराई थी, वो सब परिवार से पहुंचे हैं, उनका भी बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सरोज डोंगे, उन्होंने भी अभी 501 रुपए का अनुदान किया है, जोदा ताली अभिनंदन स्वागत। और एक गुप्त दान आया नागपुर से 1001 रुपए का, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनका बहुत आदर करते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा निरंतर भगवान के चरणों में अर्पित की है। भगवान उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। उमा सरोदे, उन्होंने भी 500 रुपए का अनुदान वृंदावन के आश्रम के लिए, जोरदार ताली। और आज क्योंकि 7वां दिन है, कहीं हम वंचित ना रह जाए अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, और जिन्होंने अपने पितरों के तरफ दर्शन नहीं किया तो पितरों का भी दर्शन कर लीजिए, पूर्वजों का भी, जो आज मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें फूल वगैरह चढ़ाकर उन्हें प्रणाम भी करते हैं। आइए अपनी वाणी और अपनी ताली को पवित्र करते हुए भगवान नाम में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण यणिवा तु देवा। हेनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हेनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो।
गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये कामना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना हरी बोलो।
तालियों के साथ श्री राधे। जय हो। दोनों हाथों की तालियों की तीव्रते हुए श्री राधे। भला क्या जगते है मेरा नाता, नाता भला क्या जगते है मेरा नाता, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, आए यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जो बिचारो हरि को पुकारो, तो जो बिचारो हरि को पुकारो, हे नाथ हे नारा यण वातु देवाती कृष्ण हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवाती कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय देहेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजन्तु मनुपेत पेतकृत्यं देपायनो विरह कतार आजुहाव, पुत्रेति तन्मतया तरो अंग विनेदो स्तं सर्वभूतं हृदय मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती नमः व्यासता जय मुदीरे। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम वपु ए
इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। सभी के हृदय में राधा माधव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुभारती टीवी चैनल के माध्यम से देश में विदेश में दूर दराज पर बैठे हुए सभी भक्तों को हृदय में बैठे हुए मेरे भगवान कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आइए अपने पूर्वज और पितरों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया उनके लिए हमने क्या किया नहीं। तो आज हम अपने पितर से उरण हो रहे, उनका रण जो है उसे उतारते हैं। कहते उतारते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण करके, भागवत जी की कथा करके। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो पूर्वज वो पितर जिनके लिए हम कथा का आयोजन कराते हैं, कथा करवाते हैं। जी तमें आपने संकल्प लिया कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण करानी है, आपके पूर्वज उल्टे लटके थे, सीधे कर दिए। जहां उल्टे लटके थे मल मूत्र और विष्ठा उन्हें खिलाया जा रहा था, लेकिन आपके श्रीमद् भागवत महापुराण करने से उन्हें सीधा कर दिया और मिष्ठान उनके मुख में देते गए, मिठाई का भोग दिया। तो आशीर्वाद देते हैं अपने पूर्वज पितर और हमारा वंश आगे बढ़ता है, हम कभी निर्वंशी नहीं रहते। जिन्हें पितृ दोष लगे, पूर्वजों का श्राप लगता है, उन्हीं के घर में अकाल मृत्यु होती है। कहते देखो रे, तूने मुझे तड़पाया है, मैं भी तुझे तड़पाऊंगा। जिसे तुम प्रेम करते हैं उसी को छीन लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अपने पूर्वज अपने पितरों को सदा प्रणाम करो, ये कुल के देवता है। जैसे ग्राम में रहते हो तो ग्राम के देवता, स्थान के देवता, वास्तु के देवता, इन्हें भी प्रणाम करते रहना चाहिए। आज मां रुक्मणी भगवान को पाने के लिए, रुक्मणी कौन है जानते हो, ये पिछले जन्म में सीता थी और रावण ने हरण किया था। आपकी बार वो रावण ही शिशुपाल बन के आया है, बोले हरण करने से तो मिली नहीं, क्यों ना वरण कर लो। तो भगवान ने क्या किया, हरण किए ना। आज मां रुक्मणी ने सुंदर पत्र लिखा है, सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथे पत्र भेजा, द्वारकाधीश को कहती है, द्वारकाधीश मैं जब से जन्मी हूं तब से लेकर आज तक मैंने आपकी कथा सुनी है। लक्ष्मी है, साक्षात नारायणी है, रुक्मणी है, और कहती वाणी गुणानु कतने श्रवणो हरि कथा गोविंद। मैं आपकी कथा सुन सुनकर मैं आपको प्रेम कर बैठी हूं। मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। प्रभु मैं कात्यायनी मां के मंदिर में जाऊंगी, मेरी कुल देवी है, वहां पर आकर मेरा हरण कर लेना, सुंदर योजना लिखी है। और वही सुदेव नाम के ब्राह्मण ने जो पत्र दिया, मां लक्ष्मी ने इतना आशीर्वाद दिया कि उस पालीवाल ब्राह्मणों को अपने पास ही रख लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान आज द्वारकाधीश दारुक सारथी को बुलाए, भगवान का प्रिय सारथी कोई है
तो दारुक है। सुंदर चार घोड़े सजाए, पहले विप्र को बैठा ला। देखो भगवान भी विप्र तादु संत ब्राह्मणों की कितनी सेवा करते थे, उन्हें पहले बैठा ला, स्वयं आरूढ़ हुए और पत्र रख दिया बलराम जी के लिए। दाऊ भैया है, बड़े भैया है, उन्हें बताया नहीं, रथ आगे बढ़ा। मां रुक्मणी अपनी सखियों के साथ, हजारों सैनिक पीछे है, सुंदर रथ है, लाल वस्त्र पहनी है, पूरा श्रृंगार है मां का। एक एक कदम मां के मंदिर में चलती कुंडनपुर महाराष्ट्र विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की बेटी करके हमारे महाराष्ट्र में लक्ष्मी की कृपा ने है। कभी महाराष्ट्र में लक्ष्मी की कृपा नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, सदा बनी रहेगी। क्यों? भगवान कृष्ण की ससुराल है, रुक्मणी का मायका है, अमरावती के पास कुंडनपुर राजा भीष्मक की बेटी। और सबसे ज्यादा कथा महाराष्ट्र में होती है, भगवान की बड़ी भक्ति होती रहती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मैं बुंदेले परिवार में अभी कथा कर रहा था टिमकी में साहब, क्या बताए, गली सक्री है और वो टिमकी के आगे का एरिया तो आप सब लोग जानते हो, बड़ा खतरनाक। पानी बोले मैं, और जहां ये लोग भक्त बैठे और पानी तो ऐसा चल रहा है जैसे कोई नदियों पर बैठ करके, नदियों के नाव पर बैठ करके बुंदेल परिवार कथा सुन रहा है। उठने का कोई नाम नहीं, और इतना सुंदर आनंद हुआ, सुंदर आनंद हुआ वहां पे, ये भाव से कथा हुई। और आज भगवान पंचवटी में, पचमढ़ी में, भगवान महादेव की नगरी में सामने बैठे हैं, नागलोक में, उस भगवान की नगरी में बैठकर, महामृत्युंजय के शरण में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान की नगरी में कथा सुनने का अवसर मिला है। कहते सात दिन निकल रहे ना, पता नहीं चला। दिल में और मन में, हृदय में भगवान को स्थापित करो, मां रुक्मणी ने भी स्थापित किया। और सामने रुक्मणी चल रही है, पीछे सखिया चल रही है, बड़ा आनंद। मां कात्यायनी का मंदिर, कुंडनपुर स्थान, सुंदर मंगल कलश, आवरी तकी मंगल गावरी, मंगल गाते हुए मंगल में, बड़ा सुंदर भाव। आइए माँ रुक्मणी के साथ हम लोग भी माँ पार्वती गिरजा का स्तुति करते हैं। मपदानी सरे सा निजरे निज मप गम हे छोके पुराओ माटी रंगाओ आजी मुरे पिया घरे आवे घे आजी मुरे पिया घरे आवे
कल से सजाओ गीते चुनाओ आज मुहे पिया घर आवे आज मुहे पिया घर आवे गे तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओ रे तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओ रे आज तेरे पीछे सवारी आज तेरे किपी की सवारी मेरी कोई काजल लाओ रे मेरी कोई काजल लाओ रे ओ मोहे ताला टीका लगाओ रे मोहे ताला टीका लगाओ रे उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी पाटी रंगाओ कल से सजाओ पाटी रंगाओ कल से सजाओ आज मुहे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर आएंगे आ आ आ आ रंगों से रंगे मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंगे खिले नए नए रंग खिले रंगों से रंगे मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंगे खिले नए नए ढंगे खिले खुशियाँ जी द्वारे में बांधे डेरा खुशियाँ जी द्वारे मेरी बांधे डेरा मेरी कोई काजल लाओ रे मेरी कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी ओ अनहद बाधे बजाओ रे सबे मेले अनहद बाधे बजाओ रे सबे मेले आज मुहे पिया आज मोरे पिया घर आए चौकी
रुकमणी कात्यायनी मंदिर में गई, मंगल गीत हुआ और महाराज भगवान द्वारकाधीश पधारे हैं, चल करके आए। जितने भगवान को देखा देखते रह गया, इतने सुंदर भगवान। हजारों सैनिक खड़े हैं मां रुक्मणी के। कोई कहते है कि देखो रे, या कि पीताम्बरी कितनो सुंदर है। एक कहते है भैया ये को देखो तो ये मुस्कुराता कितना सुंदर है। और भगवान जित पर मुस्कुरा देवे ना, एक बार भगवान को देखा तो भगवान का ही हो गया। भूल गए तारे तैनिक कि हम आए क्यों हैं, किसके लिए आए हैं, सब भूल गए। कोई रथ देखता है, कोई भगवान को देखता है, कोई भगवान के रंग को देखता है, भगवान के रूप को देखता है, भगवान की छवि को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक तो एक सिपाही कहने लगो, भैया जितना सुंदर ये है लगता है जो भीतर ऊपर खड़ी है वो देवी रुक्मणी वो भी कितनी सुंदर है। एक सिपाही कहते तो भैया हाँ बात बिल्कुल तेरी सच है। बात बिल्कुल तेरी सच है कि देखो जो भीतर ऊपर खड़ी है मां कात्यायनी के मंदिर में प्रार्थना कर रही है उसकी जोड़ी, ये जो आ रहे हैं द्वारकाधीश वो कितना सुंदर है। भगवान चढ़ रहे ऊपर और देख रहे पीछे, मंत्र मुग्ध कर दिया, गए सुंदर लक्षण होने लगे, दाहिनी आंख फड़कने लगी और सुंदर फूल आकर मां रुक्मणी के आंचल में गिर गया। भगवान को जैसे पीछे पलट कर देखा तो द्वारकाधीश खड़े, द्वारकाधीश ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया रुक्मणी ने भी सामना अपना हाथ बढ़ा दिया, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। और ये दोनों की जोड़ियों को देखकर देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, इंद्र अप्सरा नृत्य कर रहे, नारद जी गायन करने लगे। आज लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण रुक्मणी आकर के पहले भगवान ने रुक्मणी को रथ पर चढ़ाया, बाद खुद चढ़े। दारुक ने चाबुक लगाया, रथ आकाश मार्ग में बात करने लगा तो सिपाही कर अरे ले गयो। और शिशुपाल देखते रह गयो। भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए रुक्मणी का। अब देखिए रुक्मणी का भाई रुक्मी, उसका एक संकल्प था कि अगर मैं रुक्मणी को वापस नहीं ला सका
तो मैं वापस कौंडन्यपुर नहीं आऊंगा। शिशुपाल और आदि आदि राजाओं ने भगवान का पीछा किया, पर रुक्मी ने आवाज लगाई, अरे द्वारकाधीश रुक, तूने मां यशोदा का दुग्ध पान किया हो तो मेरे से दो दो हाथ कर। भगवान को कदापि ये पसंद नहीं कोई कि मुझे मां का दुग्ध याद दिलावे, वो भी मां यशोदा का। भगवान ने रथ को रोका और थोड़ी तिरछी नजर करी है। रुक्मणी समझ गई कि अब मेरे भाई का भला होने वाला नहीं है। रुक्मणी हाथ जोड़ती है, प्रभु मैं भी चाहती जैसा मेरा सुहाग बना है वैसे मेरे भाभी का भी सुहाग बना रहे, अमर रहे। भगवान रुक्मणी के भाव को जान गए। भगवान कहते हैं, देवी हम तेरे भाई रुक्मी को मारेंगे नहीं, थोड़ी मजा चकाएंगे। क्या मजा चकाया? आधी मुछ उड़ाई, आधे केस उड़ाए भगवान ने, और अपने रथ के पहियों से उसके हाथ पर बंधवा दिए। धीरे धीरे रथ चलने लगा तो रुक्मणी के भाई रुक्मी की अक्कल ठिकाने आने लगी। मार्ग में बलराम जी आए, दाऊ भैया बड़ी सेनाओं को लेकर ना जाने मेरे कृष्ण पर कोई आफत ना आए, बहुत प्रेम करते थे बलराम जी भगवान थे महाराज। जैसे तामने थे बलदाऊ जी आए, कृष्ण ने अपना रथ रुकवा दिया। बलराम जी डांट फटकार लगाते और कहते, क्यों रे कृष्णा, तो घर को बताया नहीं और चले आया, बड़े भाई को ही भूल गया। भगवान मुस्कुराए और कहा कि दाऊ भैया हमें क्षमा करो, हम अपने लिए थोड़ी गए थे, इनके लिए गए थे। रुक्मी को सामने कर दिया, रुक्मणी को सामने कर दिया। बलराम जी समझ गए कि हमारे भाई तो बड़े हो गए, ब्याह कर लिया। फटकार दांत फटकार लगाने के बाद बलराम जी ने कृष्ण के रथ की तरफ देखा और कहा, अरे कृष्ण तेरे रथ के चक्के में कौन बनाए? बोले, हमारे ताले बाबू है, माँ यशोदा का दुग्धपान हमें याद दिलाया था इसलिए हमने इसे बांध दिया। बलराम बोले, कोई ऐसी सजा देता है? हाथ पैर छुड़वाए रुक्मी ने बलराम जी को प्रणाम किया। रुक्मणी समझ गए कि हमारे जेठ जी जो है कितने समझदार है, हमारे भाई को मारा नहीं, उसे क्षमा कर दिए, माफ कर दिए। बड़ी प्रसन्न है मां रुक्मणी। द्वारकाधीश द्वारका आते हैं और आज बलराम जी रेवती मैया से कहते हैं, अरे रेवती मेरे कनुआ ने कृष्ण ने ब्याह कर लिया है पर कन्यादान नहीं हुआ, चलो तो सही हम बड़े हैं ना, हम छोटे भाई का ब्याह कराते हैं। खूब सुंदर मंडप सजाया, पूरे द्वारका को सजाए और आज भगवान श्री बलराम जी मां रेवती आज रुक्मणी की शादी कराते हैं भगवान द्वारकाधीश के साथ। क्योंकि ये द्वारका जो है वो अनिरुद्ध राजा की थी, दहेज में रेवती को दिया था, रेवती ने उठाकर बलराम जी को दे दिया और आज रुक्मणी को कन्यादान में उठाकर पूरी द्वारका दे दी। रुक्मणी ने ये द्वारका उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया, ऐसे में हमारे कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित
एक दिन भगवान दुर्वाता मुनि के आश्रम में गए। ब्रह्म विद्या के गुरु है दुर्वाता मुनि, दुर्वा का रस पीते हैं। आज रुक्मणी को लेकर दुर्वाता के पास गए और कहा कि गुरुदेव आप हमारे महल में पधारो। बोले ऐते थोड़ी चलूगा, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि मेरे रथ का, रथ को खींचने वाले, रथ को जोतने वाले आप घोड़े बनना पड़ेगा। भगवान आ द्वारकाधीश। बोले ठीक है गुरुदेव आप पधारो रथ में। बोले एक शर्त तो सुनो, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरी शर्त यह है कि अपना प्रिय कार्य करोगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा। बोले भगवान ने प्रणाम किया दुर्वासा को और रथ पे बैठा ला। एक तरफ से भगवान द्वारकाधीश रथ को खींचते हैं और एक तरफ से रुक्मणी, दोनों आ द्वारकाधीश और द्वारका की रानी, राजा और रानी बनकर आज दुर्वासा मुनि का रथ खींच रहे। चलते चलते मार्ग में रुक्मणी थक गई, प्यास लगी। भगवान को कहते प्रभु मैं चलू तो चलू, कहते मैं थक गई हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। भगवान बोले मैं अपना प्रिय कार्य करूंगा तो दुर्वासा जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं रथ को रोकू। कहते भगवान ने हल्की थी नाखून होते उस जमीन को खुरोदा है, और जैसे पैर के नाखून से जमीन को खुरोदा वहां पे जल प्रकट हुआ, गंगा जल प्रकट हुआ, और जैसे गंगा जल निकला जल की धारा सीधा आकर के मां रुक्मणी ने मुंह खोला और मुंह के माध्यम से पानी पीती है। जैसे पानी पी पर दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा बोले अरे द्वारकाधीश तूने रुक्मणी का प्रिय कार्य किया है, उसे प्यास बुझाई है तूने, अब मैं नहीं आऊंगा, हमें यही छोड़ दो। और दुर्वासा जी उतर गए। बोले समय मिला तो कभी द्वारका चल करके आऊंगा। एक दिन की बात है, आज बिना बताए दुर्वासा मुनि द्वारकाधीश के घर गए। देखो जो बता करके आता है वो मेहमान है, और जो बिना बताए आता है वो अतिथि है। अतिथि आ गए और अतिथि के रूप में ही भगवान होते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, कभी अपमान नहीं होना चाहिए। दुर्वासा आए, जोर से आवाज लगाई द्वारकाधीश ने, अरे ओ रुक्मणी, अरे ओ रुक्मणी, अरे सुनती हो? बोले हाँ प्रभु आज्ञा करो। बोले हमारे दुर्वासा मुनि आए, हमारे गुरुदेव आए, स्वागत करना है, कुछ मीठा लाओ। अब मीठा क्या बनाती जल्दी जल्दी, अब रुक्मणी ने जल्दी जल्दी अपने हाथ से खीर बना ली, खीर बनाई और खीर बनाया लाकर द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश जैसे दुर्वासा मुनि को कहते प्रभु आप ये थोड़ा खीर पीजिए, थोड़ा बैठिए, आनंद की चर्चा करेंगे। खीर को देख करके दुर्वासा मुनि ने खीर का कटोरा लिया और कहा पूरे शरीर पर फेंक दिया। किसके? भगवान द्वारकाधीश के ऊपर पूरी खीर का कटोरा फेंक दिया। उस समय रुक्मणी को हंसी आई, हंसते हुए कहते बुलाओ ऐसे मेहमान को जो आप खिलाने जाओ और आप पर फेंक कर जाए वे। और दुर्वासा ने कहा पूरी खीर कृष्णा पूरे बदन में लगा लो, पूरे शरीर में लगा लो। भगवान ने भी आज्ञा का पालन किया, पूरे खीर को पूरे शरीर में लगाया, मुंह में, शरीर में, हाथ पैर में, पर पैर के नीचे तल पैर में खीर नहीं लगाई। दुर्वासा का गुस्सा शांत हो गया। दुर्वासा कहने लगे अरे कृष्ण मैंने खीर फेंक कर तुझ पर मारी, तुझे गुस्सा नहीं आया?
तू तो शांत है, मुस्कुराता है, ले जितने जगह तूने आपने खीर लगाई है, मैंने पूरे तेरे शरीर पर पूरे बदन पर कवच पहना दिया। कोई कितना भी वार करेगा तुझे नहीं लगेगा। पर कृष्णा, तूने अपने पैरों के चरणों में, तल पैर में मेरा प्रसाद समझकर नहीं लगाया ना? बोले हाँ गुरुदेव, नहीं लगाया। बोले अगर तुझे कोई कील भी लगेगी ना, वहां पर कोई मारेगा ना, बस तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। दुर्वासा चले जाते हैं और एक बात कह के जाते, क्या कहते? अरे द्वारकाधीश, जितने मेरी हंसी उड़ाई है, जितने मेरा मजाक किया है, मैं कहता हूं इस रुक्मणी को इस महल से बाहर निकाल दे। देखो द्वारकाधीश को आदेश करते कि तुम अपनी पत्नी को इस महल से बाहर निकाल दो। भगवान दुर्वासा का आदेश समझकर भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मणी को अपने महल से बाहर निकाल दिया। आज भी आप द्वारका जाओगे तो द्वारकाधीश अकेले खड़े हैं, और उससे कुछ दूर जाओगे तो माधवपुर में मां रुक्मणी का मंदिर मिलेगा। 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद प्रेम से बोले जय श्री राधे। ऐसे हमारे प्रभु की लीला है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, उतने कुछ समय बीता तो एक सुंदर कथा आती है। परीक्षित जी बोले प्रभु वो कथा सुनाओ। बोले देखो भगवान की 16108 शादी हुई है। कितनी? 16108। भगवान शंकर की पत्नी कौन है? पार्वती। राम की पत्नी सीता है। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है। पर राधा कौन है? बोलो जी, भगवान कृष्ण की अलादनी शक्ति है श्री राधा जी, भगवान की शक्ति है। भांडीर वर में जब ब्रह्मा को दोष लगा था तो भांडीर वन में सबसे पहले ब्रह्मा ने यह विवाह गुप्त है, गर्ग संगीता में इसका उल्लेख आता है। ब्रह्मा ने श्री राधा जी के साथ भगवान कृष्ण की शादी कराई थी भांडीर वर में, मथुरा में। साक्षी केवल ब्रह्मा जी, अग्नि देवता और धरती माता। कन्या दान किया था श्री राधा जी का ब्रह्मा जी ने कृष्ण के साथ। और मथुरा में दूसरी शादी भगवान ने और की है किसके साथ? कुब्जा के साथ। कुब्जा के साथ जो तीन जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, भगवान ने सुंदर बनाई। तो भगवान एक दिन एक रात कुब्जा के साथ रहे। ये विवाह भी गुप्त है, इसका ज्यादा उल्लेख नहीं है। और जो 16108 भगवान की शादी है, जो 8 शादी प्रकट है, वो भगवान के अष्ट जो प्रकृति स्वरूपा है, भगवान की पटरानी है। और 16100 जो है वेदों के मंत्र है, वेदों के ऋचाएं हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। महाराज आज भगवान रुक्मणी से सुंदर एक पुत्र प्राप्त होता है। भगवान से एक पुत्र प्राप्त हुआ रुक्मणी को, जानते हो? और पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव है। भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से जलकर जो भस्म हुए थे वो साक्षात कामदेव है। महाराज आज भगवान, अभी देखो ये जो प्रद्युम्न है 10 दिन का भी नहीं हुआ, शमरातुर आ गया। और शमरातुर आकर जानते हो क्या किया?
वो 10 दिन का नन्ना था बालक प्रद्युम्न को चुरा कर ले गया। कहां ले गया? आकाश मार्ग में। और आकाश मार्ग से चुरा कर ले जाकर समुद्र में फेंकता है। जैसे समुद्र में फेंका, मछली ने मुंह खोल लिया, और जैसे मछली ने मुंह खोला, वो मनुष्य का बालक कृष्ण का पुत्र सीधा मछली के पेट में चला गया। मछुआरे ने बहुत ही जाल बिछा कर रखी थी, ये बड़ी थी मछली, आकर वो मछुआरे के जाल में फंस गई। और वो मछली को पकड़ करके लाए मछुआरे शमरापुर के भोजन कक्ष में कि आज मछली बनाएंगे। मछली का पेट काटा, जैसे मछली का पेट कुलाड़ी से काटा तो उसमें से मनुष्य का बालक निकला। बोले अरे ये तो अचंबा है, मछली के पेट से मनुष्य का बालक, इसका हम क्या करें? वहीं पर विद्यावती बनकर के ये जो रति है कामदेव की पत्नी, वहां विद्यावती बनकर के सेवा करती थी। ये बालक उठाकर विद्यावती को दे दिया, मायावती को दे दिया, उसे नहलाती धुलाती सेवा करती और उसे खूब सेवा करती। एक दिन देवर्षि नारद आए। नारद ने कहा देवी तुम जानती हो जिसको तुम नहलाती हो सेवा करती हो इसे बेटा मानना चाहिए, बेटा है, तुम जानती हो पहचानती हो ये कौन है? रति कहती नहीं मैं नहीं पहचानती, बताओ नारद जी कौन है? अरे देवी याद करो जिस तुम्हें शंकर की क्रोध अग्नि से जलकर जो तुम्हारा पति जलकर भस्म हुआ था, ये अब की बार कृष्ण के घर से जन्म लेकर आया है, ये प्रद्युम्न नहीं ये तुम्हारा पति है और तुम हो इनका पत्नी रति। अब विद्यावती बड़ी प्रसन्न हो गई और उनकी सेवा करने लगी। खूब बड़े ही हुए सुंदर विद्या सिखाई। शंबरासुर के साथ युद्ध हुआ, युद्ध से जीत कर विद्यावती आज प्रद्युम्न के साथ बड़ा सुंदर विवाह करते हैं। देवर्षि नारद लेकर आज द्वारका आए। जैसे प्रद्युम्न का विवाह विद्यावती के साथ हुआ, आज रुक्मणी भगवान द्वारकाधीश को कहते हैं, हे द्वारकाधीश नाथ, मेरा बेटा भी होता तो आज इतना बड़ा होता, उनकी भी शादी होती और मेरी बहू आती। भगवान कहते हैं अरे देवी उदास मत हो, ये कोई और नहीं है, ये आपका ही बेटा है, हमारा बेटा है, गया था अकेला पर आया है साथ में पत्नी को लेकर, दोनों आए हैं, स्वागत करो। स्वागत किया, मंगल गीत गाए, आनंद उत्सव हुआ। पर ये जो जित में इनको लेकर के शमरात्र ऊपर ले जाकर के जब फेंका था, जो बीच का एक समय बचा था, उस समय में भगवान की और शादी हो गई। पर शिव कहने लगे गुरुदेव कहती और शादी हो गई, जरा बताओ तो सही। भगवान की कथा को सुनाते हैं शुकताल में सुखदेव जी भगवान राजन प्रसिद्ध को और कहते प्रसिद्ध सुनो, एक दिन की बात है, आज उग्रसेन की सभा में सत्राजित आया। सत्राजित सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य भगवान को प्रसन्न करके सूर्य भगवान ने उसे प्रसन्न होकर के एक सुंदर समंतक मणि दी। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में समंतक मणि की कथा आती है। क्यों आती कथा? भादो मास शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा, जिस दिन हम गणेश जी बैठालते हैं, उस दिन का अगर चंद्रमा देखे तो हमें झूठा कलंक लगता है, मिथ्या कलंक लगता है। इस कलंक का मार्जन कैसे करें? तो भागवत में समंतक मणि की कथा आती है, इसको जो पढ़ लेता है उसके झूठे कलंक दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा,
सत्राजीत आया समंतक मणि को पहनकर उसका दिव्य प्रकाश, और जब दिव्य प्रकाश को देखकर सारे सभापति उठकर के प्रणाम करने लगे। भगवान के पास खबर गई कि आज देखो सूर्य नारायण आए हैं आपकी सभा में। भगवान बोले सूर्य नारायण नहीं है, बोले अगर आए हैं तो सत्राजीत ने सूर्य भगवान की आराधना करी, उन्हें भगवान प्रसन्न होकर मणि दिए। मणि को गले में धारण करके आए। भगवान ने कहा अरे सत्राजीत, तेरा परिवार में एक तू है, तेरी पत्नी है, तेरी एक बेटी है और एक तेरा छोटा भाई है, कुल मिलाकर चार लोग हो आप लोग, और इतनी बड़ी मणि गले में धारण करते हो। जो गले में धारण करते हो इस मणि से 100 बार सोना निकलता है, और ऐसा सोना अगर हमारे राजकोष में जमा हो जाए तो हमारी यहाँ की व्यवस्था सुंदर कार्य से चल पत सकेगी। इस मणि को आप जमा कर दो। भगवान की बात सत्राजीत ने नहीं मानी, मणि को रख कर वापस घर गया। अपनी पत्नी से कहता देखो द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैं मणि नहीं दूंगा मैं उनको। पत्नी कहने लगी बहुत अच्छी बात है मत दो, आपने तपस्या करी आपने साधना करी है और ये मणि आप कृष्ण को दो द्वारकाधीश को दो ठीक नहीं है। एक दिन की बात देखो, आज सत्राजीत का भाई है प्रतेन, आज अपने भाई की मणि को लेकर गले में डालकर, क्योंकि जो मणि जहां रहती है वहां से आदि व्याधि रोग भय कष्ट दुख कभी नहीं आते, उससे 8 बार सोना तो निकलता ही है महाराज। 8 बार सोना यानी 100 किलो सोना उससे निकलता है महाराज। वो मणि को पहनकर शेर का शिकार करने के लिए वन में गया, और जैसे शेर का शिकार करने के लिए वन में गया वो हो गया उल्टा। क्या उल्टा हुआ? शेर ने ही प्रतिन का शिकार कर लिया, प्रश्न को मार दिया, और वो जो मणि थी जो गले में वो शेर के पंजों में फंस गई। अब जैसे शेर के पंजों में फंस गई, उधर से जा रहे थे भालू रीछपति, वो भालू ने शेर के पंजों में कोई चमकीली वस्तु देखी और उनके साथ युद्ध करने लगे। भालू का युद्ध शेर के साथ हुआ, और जब शेर के साथ भालू का युद्ध हुआ देखते देखते भालू बलवान हो गया, और जो वार किया है जो मार किया है देखते देखते शेर को मार डाला। मार करके पंजों में जो मणि थी वो समंतक मणि को लेकर के भालू गए हैं, किसको? अपने बच्चों को वो मणि खेलने को दे दिए। अब देखो इधर गांव में बात फैल गई कि कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, बचपन में माखन चुराता था अब मणि चुराई और हमारे भाई को मरवा दिया। पर सुनो ये बात किसी को बताना मत, पर माता और बहनों के पेट में कोई बात पसती है? क्यों? युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। बोले कहते, बोले इतनी श्राप है कि एक दिन महाभारत का युद्ध पूरा हो जाने के बाद माँ कुंती के साथ जाकर आज युधिष्ठिर तर्पण कर रहा था, उस समय माँ कुंती ने कहा बेटा युधिष्ठिर एक तर्पण आप कर्ण के नाम से कर दो। युधिष्ठिर ने कहा माँ ये बता कर्ण हमारा कौन लगता है? बोले बेटा मैंने कुवारेपन में दुर्वासा मुनि मुझे मंत्र दे गए, उस मंत्र से मैंने सूर्य की आराधना करी और सूर्य भगवान ने मुझे कुवारेपन में एक बेटा दे दिया, पर यह रहस्य को कोई जानता नहीं था, मैंने उस बालक को बहा दिया था, उसे अधीरत ले गया, और ये कर्ण कोई और नहीं है तुम्हारा अपना भाई है सगा भाई है। युधिष्ठिर महाराज फूट फूट करके रोने लगे, माँ ये बात अगर आप पहले बता देती तो हमारा भाई हमारे हाथों से मारा नहीं जाता, हमारा भाई हमारे हाथों से मारा नहीं जाता। आज तिलांजलि की जगह जल हाथ में लेकर के युधिष्ठिर महाराज कहते माँ मैं आज के बाद श्राप देता हूं माता और बहनों को
कि आज के बाद इनके पेट में कोई बात पचने वाली नहीं है, ये मेरा श्राप है। जैसे श्राप दिया महाराज, आज तक वो श्राप चल ही रहा है। जो आप कहोगे कि ये बात किसी को बताना मत, तुझे मेरी कत्तम है, कत्तम खिला दी तो समझ लेना आपने डबल गलती कर दी। फिर तो वो बात पेट में खलबल 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 होते रहेगी, मंदिर में जाएगी, शंकर भगवान को जल चढ़ाएगी, जल चढ़ाकर कोंटा में बैठेगी और पड़ोसन कहीं मिल गई, पड़ोसन से आज चेहरा लटका के बैठी, पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे बहना तू बता तो सही, तू मुंह लटका कर क्यों बैठी? अरे जान देना बहना, कोई बात नहीं है, ऐसी बात है। अरे बोल दे, मन हल्का हो जाएगा। नहीं 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 बताओगी? फिर बोल दे, देख मैं बताऊंगी तो सही, पर तू कसम खा किसी को बताएंगी तो नहीं? बोले अरे बहना, ये में कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू बता तो सही। अरे क्या बताए, लगता है द्वारकाधीश ने आज लगता है प्रतिन को मरवा दिया, मणि हत्या लिया। पर सुन, द्वारकाधीश बलशाली है, ये बात किसी को बताना? ना बहना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। घर में गई, पति आए, थाली परसी, न दाल बराबर, न चावल बराबर, न रोटी बराबर, न नमक न मिर्ची बराबर। पति पूछने लगो, अरे देवी का बात है, जरा कह तो सही। बोले कछु ना बताएंगे हम तुमको। बोले कुछ तो कह दो, आप तेरो मन ठीक नहीं दिख रहा है, तू उदास क्यों है? बोले किसी को तो नहीं बताओगे? बोले मैं तो नहीं बताऊंगा, तू मत बता देना कोई को। बोले आज ना लगता है कि प्रतिन को तो द्वारकाधीश ने मरवाया है, पर ये बात तुम किसी को बता ना मत। अब उसने ये बात पति को बात बता के हल्की हो जाना था ना, ना दो चार महिलाओं को और बता दी। अब दो चार महिलाओं ने उठाकर 10-12 महिलाओं को बता दी, 10-12 महिलाओं ने जाकर 50 महिलाओं को बता दी। उड़ते उड़ते बात सीधा द्वारकाधीश के पास आई गई। ओहो, कृष्ण कहते हैं कि लो, मैं लगता है मैंने भादो मास शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखा है क्या, जो आज मुझे झूठा कलंक लगा। आज भगवान बोले मैंने मणि चुराई नहीं और मुझे कलंक लग गया। यादव बालकों को लेकर आज भगवान चलते हैं जंगल में मणि का पता लगाने। देखा जंगल में गए तो सामने क्या देखा, शेर मरा पड़ा है, प्रशेन मरा पड़ा है। प्रशेन को शेर ने मारा, शेर को किसने मारा? तो शेर के पास भालू के पंजों के निशान थे। पंजों के निशान के पीछे 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 आगे गए तो एक बड़ी सी अंधकारमय गुफा मिली है, डरावनी गुफा। भगवान कृष्ण कहते अपने सखाओं को, यादव बालकों को, कि आप भीतर मत आओ, आप रुक जाओ, न जाने इसमें कौन सी आफत बैठी होगी, मैं जाता हूं, आप मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान गुफा के भीतर गए और जैसे गुफा के भीतर गए तो क्या देखा जानते हो? क्या देखा? जामवंती की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान बोले यही मणि के लिए तो मैं आया हूं, आप ही मणि मुझे वापस दे दो। बोले कहते दे वापस। जब जोर जोर से हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी तो ऊपर से नीचे कूदे जामवंत जी और जामवंत जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का युद्ध हुआ। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध होते रहा। और आज जामवंत जी ने भगवान के वक्ष स्थल पर भृगुलात का चिन्ह देखा, भृगुलात का चिन्ह देखा तो आज जामवंत जी पहचान गए, अरे मैंने जिसके साथ युद्ध किया वो तो मेरे प्रभु श्री राम है। हे प्रभु क्षमा करो, मैंने आपके साथ युद्ध कैसे कर लिया, मुझे क्षमा करो, त्राही माम त्राही माम। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अरे जामवंत जी याद करो जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ था, बड़ी बलशाली सेना थी रावण की,
हमारे तेना में भी कोई कमी नहीं थी, सबने युद्ध किया, पर आपने किसी के साथ युद्ध नहीं किया था। आपकी इच्छा थी कि कोई मेरे से युद्ध करे तो मैं समझू कि कोई बलवान है रावण की तेना में, तब मारे गए थे। पर आपने एक दिन ऐसा कहा कि प्रभु श्री राम जी, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, सेवक और भगवान के बीच युद्ध ये मर्यादा के विपरीत था। मैंने कहा जामवंत जी, इस समय तो युद्ध में आपके साथ नहीं करूंगा, पर मैं यदुकुल में अवतार लेकर के आऊंगा तो मैं ये इच्छा आपकी पूरी कर दूंगा। प्रभु उस समय भी आपसे मेरा एक संकल्प हुआ था कि मेरी एक बेटी थी, मैं विवाह कराना चाहता था आपके साथ उनका, आपने वो बात तो मेरी मानी नहीं। लेकिन प्रभु ये मणि भी लो और साथ में मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। बोले बेटी कहती है, बोले प्रभु बेटी तो बाप पे ही जाएगी ना, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बेटी है। अब बेटी कहती भालू और उसकी बेटी कहती होगी भालूइन, भगवान भालूइन के साथ शादी करने जाते हैं। बोले देखो शादी तो करूंगो पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले अपनी बेटी को पूरी बैंडेज पट्टी लगा दो। पूरी बैंडेज पट्टी लगा दी, साड़ी पहनवा दी, घूंघट डलवा दिया और सप्तपति हुई, सात फेरे हुए। जामवंती को भगवान कहते द्वारकाधीश, पति के आज्ञा का पालन करना, जब तक मैं ना कहूं तो घूंघट ना खोलना। अब जामवंती ने मुंडी हला दी, बोले हाँ नहीं खोलूंगी घूंघट। अब भगवान आगे आगे जाए, जामवंती चार पैर पे चलती थी, वो दो पैर पे कूद के द्वारका पहुंची। भगवान ने जामवंती को लाया और एक कोठी होती ना कुटिया, उस पे बंद कर दी, बंद कर दिए और कुंडी लगा दी, साथ में ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रखी। जामवंती आज भगवान की पत्नी रुक्मणी ने देखा कि प्रभु ये कुटिया पे आप आ रहे हो, ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, क्या बात है? बोले देवी अब तो तुम महल में रहो, हम तो बस कुटिया में रहेंगे। बोले प्रभु क्या बात है? बोले सुनो हमने ब्याह कर लिया है। बोले ब्याह कर लिया? बोले हाँ मेरे रहते। बोले हाँ अब क्या करें, एक तो थी, सेकंड मैरिज हो गई हमारी, हम क्या करें। बोले है इतनी सुंदर कि हम इतके साथ रहेंगे। अब भगवान अब कोई पत्नी पति दूसरी पत्नी की तारीफ करे तो जलन सी होती ना पत्नी को, रुक्मणी जलन सी होने लगी। बोले प्रभु मेरे से भी सुंदर है। बोले तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे भी अधिक सुंदर है। हाँ बोले मुझसे भी अधिक सुंदर? बोले हाँ। बोले मैं आ तो इसके साथ रहूंगा। तो बोले प्रभु आप उपाय तो बताओ कि आप मेरे साथ कहते रहोगे। बोले एक शर्त है, अगर कोई बरोबरी का बना दे तो मैं रहने को तैयार हूं। रुक्मणी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बनाती अपनी जैती। अब रुक्मणी आओ देखी ने ताओ भीतर गई और एक कमंडल जल लेके आई, हाथ में जल लिया, जोर से फेंक के कुटिया की तरफ पड़ती, अरे करमजरी जैती मैं हूं वैसी तू बन जा, जैती मैं हूं वैसी तू बन जा। भगवान बोले खतरा टल गया। भगवान ने ताला खोला, कुंडी निकाल खोली, दरवाजा खोला, आवाज लगाई, अरे जामवंती सुनती हो बाहर आओ। ये आई बिचारी, बोले घूंघट उठाओ, और जैसी घूंघट उठाई तो आज जामवंती भी साक्षात रुक्मणी की जैसी दिखने लगी। बोलो जामवंती बल्लभ द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान की दूसरी शादी हुई है जामवंती के साथ, सेकेंड मैरिज। भगवान रहने लगे आनंद से। भगवान को लगा कि चलो समंतक मणि तत्राजित को वापस करके आते हैं। समंतक मणि लेकर तत्राजित के पास भगवान गए और भगवान ने कहा प्रभु तत्राजित देखो आपकी मणि हमने नहीं चुराई थी, आपकी मणि तो प्रत्यन ले गया,
प्रश्न को शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, और भालू के पास से ये मणि लेकर मैं आया। आपत गले में पड़ गई, मेरी सेकंड मैरिज हो गई, दूसरी शादी हो गई। सत्राजित बड़े शर्मिंदा हुए। सत्राजित हाथ जोड़ते, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी भी एक बेटी है, मणि भी रख लो पर साथ में मेरी एक बेटी के साथ विवाह करो। बोले दो ऑलरेडी घर पे हैं। बोले क्या बात है प्रभु, आप द्वारकाधीश हो, मेरी बेटी से विवाह करो। भगवान की तीसरी शादी सत्यभामा के साथ होती है। सत्यभामा वल्लभ द्वारकाधीश, भगवान की जय हो। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, अब चौथी। ये सत्यभामा कौन है जानते हो? ये पृथ्वी है, भूदेवी है। और भगवान ने इनसे विवाह क्यों किया? छोटी सी कथा आती है। जब भगवान ने वराह रूप लिया, वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को अपने दाढ़ पर उठा करके जब ला रहे थे, उसमें पृथ्वी चिंतन कर रही थी हिरण्याक्ष का, और हिरण्याक्ष का चिंतन करते करते पृथ्वी गर्भवती हो गई, और पृथ्वी से गर्भवती हो गई उससे एक बेटा हुआ, नाम है उसका भौमासुर। अब भौमासुर से भगवान कह, देखो हमारा बेटा तो हुआ लेकिन ये राक्षस है। बोले प्रभु बेटा जैसा भी हो, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा बेटा है, इसे मत मारना। बोले देवी एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब अपने मुख से तीन बार कहोगी तब मैं इसे मारूंगा। बोले हाँ प्रभु, मैं तीन बार कहूंगी तब इसे मार देना। आपकी बार वही पृथ्वी सत्यभामा बनकर आई, इसलिए भगवान ने तीसरी शादी सत्यभामा के साथ करी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक दिन भगवान कुरुक्षेत्र तरफ जाते हैं और हस्तिनापुर गए। अर्जुन और कृष्ण घूमते घूमते यमुना के तट पर गए। यमुना के तट पर क्या देखा? एक सुंदर सावली सलोनी स्त्री युवती यमुना के उस पार बैठी है और ध्यान कर रही है, ध्यान कर रही है। अर्जुन ने पानी पिया, सामने देवी को देखा, प्रणाम किया, देवी आप कौन हो? देवी कहती मैं सूर्य की पुत्री हूं, सूर्य की पुत्री हूं मैं, मेरे दो भाई है, एक यमराज दूसरा शनि, ये दो भाई मेरे हैं, मैं भगवान को पति रूप में चाहती हूं, इसलिए यमुना के तीर पर बैठकर मैं ध्यान कर रही हूं। भगवान अर्जुन, अर्जुन समझ गए कि भगवान तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का हाथ पकड़ करके लाया। भगवान को देखे यमुना ने, आज उसका नाम है यमुना कालिंदी, सूर्य की पुत्री है। भगवान आज कालिंदी के तात में चौथा विवाह करते। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। आज भी प्रत्यक्ष पृथ्वी पर प्रकट है यमुना, आज भी। ये इसका नाम गोलोक धाम में बिरजा था, ये बिरजा नदी है, भगवान की सखी थी, गोलोक धाम से पधारी है। आज भी भाव दूज में भाई और बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं, तो यमुना उसे भाव सागर से पार कराती है और यमदूत से तार कर उसे भगवान के धाम पहुंचाती है। हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान के धाम जाते हैं वृंदावन में, और भाई और बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। और हमारी भी कथा नवंबर के 9 नवंबर से यमुना के किनारे मथुरा में कृष्णीबाई चांडक भवन में कथा है। जिसको यमदूतिया स्नान करना है, ब्रज में कथा सुननी है, तो आपका स्वागत है, आप लोग भी चल सकते। आपकी दीपावली भगवान के साथ मनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब फिर तो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की महिमा ही कुछ और है।
उनकी महिमा भी अपार है। वृंदावन धाम चलेंगे, वृंदावन धाम कहते चलोगे बैठे बैठे? वृंदावन धाम अपार है, अपार है, बजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार है, अपार है, बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, तेरो हो जाओ तेरो हो जाए बेड़ा पार, बजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोलो भक्तों से भगवान की जय हो, जय हो राधे। ये वृंदावन की लीला, ओहो ना समझो गुण को चीला, ये वृंदावन की लीला जो गुड़ की चेला, ये वृंदावन की लीला ओहो ना समझो गुड़ को चेला, ये वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ का सीरा, दाइन सी मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे, या तेरी सी मुनि गए हारे जपे जा राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोलो भक्तों से भगवान की जय हो, ब्रज बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल जय हो, आनंद वृंदावन जो कोई जावे वो मुक्ति पद को पावे, वृंदावन जो कोई जावे वो मुक्ति पद को पावे, वृंदावन जो भी जावे वो मुक्ति पद को पावे, क्या बात है। वृंदावन जो भी जावे वो मुक्ति ब्रज को पावे, या तेरा धरणी को सारे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधे सरकार, जपे जा राधे राधे। जय हो, बड़े प्रेम से बोलो भक्तों के भगवान की जय हो। राधे जय हो, और इसलिए क्या बोलेंगे,
मन चल रे वृंदावन चलिए, मन वृंदावन में चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मेरो मन वृंदावन चलिए, जा मिलेंगे श्यामा श्याम, जा मिलेंगे श्यामा श्याम, जहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम, जहाँ मिलेंगे श्यामा श्याम, मन चल मन चल मन चल चल चल, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, हरि बोल राधे की राधे। राधे चल ताली बजाते हुए जय हो। जहाँ क्या है, जहाँ छोटी छोटी गैया, जहाँ छोटी छोटी गैया, जहाँ छोटी छोटी गैया, जहाँ छोटी छोटी गैया, जहाँ छोटी 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 गैया, जहाँ छोटे 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 गैया, जहाँ गैया चरावे गोपाल, जहाँ गैया चरावे गोपाल, जहाँ गैया चरावे गोपाल, जहाँ गैया चरावे गोपाल, मन चल मन चल मन चल चल, मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल, श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, बताने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बताने वाली राधा श्री राधा, बताने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बताने वाली राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बताने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बताने वाली राधा श्री राधा, बताने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बताने राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाले डाले अरे पाते पाते पर श्री राधा नाम होई, श्री राधा नाम होई, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लगता है मन पहुंच गया वृंदावन, है ना, पहुंच गया मन ब्रज में। ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है, कितने कोस में, 84 कोस, और ये ब्रज 84 कोस में फैला है, और जीव 84 लाख योनि भुगत करके ही मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है, 84 लाख योनि भुगत कर।
करके ब्रज की चौरासी कोस की परिक्रमा भी होती है महाराज। मथुरा सप्तपुरी में एक पुरी है मथुरा पुरी मोक्षदायिनी, जिसके प्राण अगर मथुरा में निकल गए उसे यमदूत पकड़ने नहीं आते, देवदूत आते हैं भगवान के धाम अपने गोलोक में। और जिन्होंने अपने परिवार पूर्वजों के निमित्त अगर दान किया है और उनका एक पत्थर भी वहां लगा है, उन्हें लगेगा हमारा आश्रम है, हमारा वृंदावन है, हमारा घर है। कितना पुण्य मिलेगा ना, कितना पुण्य मिलेगा भाई। जो हम आश्रम बनाते हैं बनाएंगे, क्या अपने लिए बनाएंगे? जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है और कल नहीं है। लेकिन वो आपका आश्रम आपके पीढ़ियों तक के चलते रहेगा, चलते रहेगा। आपको भी लगेगा कि व्यास जी गुरु जी घर घर जाकर कथाओं का दान करते गए, दान कर करके दान इकट्ठा किया और एक आश्रम का निर्माण किया। धर्म संस्कृति की जागृति कहते हो करके वहां पर श्रीमद् भागवत का पाठ होगा, हमेशा निरंतर पाठ होगा, स्मरण होगा, कीर्तन होगा, साधु संतों को ब्राह्मणों को और आए हुए अतिथियों का स्वागत होगा, रहने की सुंदर व्यवस्था होगी। जिन्हें भी वृंदावन के लिए सहयोग करना है बिल्कुल तन मन धन से अपने पूर्वज परिवार के लिए कर सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी भगवान कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर के अंश अवतार। कौन है? सुखदेव। सुनने वाले भगवान और सुनाने वाले भगवान। कहते जब हरिद्वार में आनंद तट पर जब कथा हुई तो भगवान का प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन चौथे संत कुमार। और कथा किसने सुनी? देवर्षि नारद ने। भगवान का चतुर्थ अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। सुनने वाले भगवान और सुनाने वाले भी भगवान है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आप कथा में आकर बैठ नहीं सकते। नहीं, कई लोगों तो सोने गांव चले जाते हैं। अगर भावपूर्ण कथा हो, कथा दो पद्धति से होती, व्यास पद्धति मतलब बिना संगीत की और कलिकाल है। व्यास पद्धति में कथा अगर हुई है तो केवल चौधरी मैडम के घर बिना संगीत की, पर उस कथा को सुनने वाला श्रोता ही चाहिए, सोता नहीं चाहिए। हाँ, जिसको सोते हुए को कथा सुननी है तो फिर नारद पद्धति से। और नारद पद्धति में क्या है जानते हो? केवल संगीत है। संगीत आएगी तो आलस्य दूर होगा, नींद भागेगी, थोड़े पैर ठीक हो जाएंगे, कमर टेढ़ी है तो कमर अच्छी हो जाएगी, थोड़ा ठुमका लगाएंगे, भगवान आनंद लेंगे। क्यों? हम भगवान के लिए नृत्य करते हैं ना। शादी और पार्टी और डिस्को में तो हम खूब नाचे हैं। जो शादी पार्टी डिस्को में नाचता है ना, देख रहे, वो नाचने वाला ही हो जाता है। कभी पत्नी के सामने, कभी पति के सामने, कभी संसार के सामने नाचता ही रहता है। लेकिन जो भगवान के लिए नाचता है उसे संसार के सामने नाचने की जरूरत नहीं होती। भगवान के सामने नाचो, भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए आनंद में रहो, तब हमारा परिवार भी सदा मंगल में रहता है। लोग कहते हैं चलो कथा में, चलो कथा, बोले काहे जाए कथा में, कमाने ते फुर्सत हो तो जाए ना कथा में। भैया धन तो खूब कमाया, खूब धन कमाया,
पर धन जोड़ जोड़ गया और धन के सामने नी लग गया तो निधन हो गया। बड़ा था बंगला बनाया, करोड़ों का बंगला बनाया, 10 लाख का बाथरूम बनाया, और जब मर गया तो 10 लाख के बाथरूम में नहीं नहलाया था, घर के आंगन में पालना लगाया और पाटे पे लेटाया, और पाटे पे लेटा लेटा कल तेरे को गद गद के सुलाएंगे। फिर ये बंगला किसके लिए बनाए हो भैया, किसके लिए बोलो जी? बोले साहब लेकर तो हमारे बाप दादा भी नहीं गए, ले गए हम क्या लेकर जाएंगे? अरे ताप, अगर आपने धर्म से पैसा कमाया, आपके पुत्र लायक है, तो आपको डबल करके देंगे, डबल करके देंगे। अगर आपके पुत्र नालायक हैं, तो आपने जो कमाया वो खा खा के तब गोबर करके सब छोड़ देंगे, ताप सब छोड़ देंगे। बार बार इसलिए तो कहता हूं कि दान करो, धर्म करो, कि कलयुग में केवल दान ही बचाए, कलयुग में केवल दान बचाए। जिसको आज भी कलयुग तोड़ना चाहता है, इतना मत दो, हमारा क्या होगा? जब 9 महीने मां के गर्भ में रहे तब आपकी चिंता भगवान ने करी, आप जन्म लेकर आए तो मां के आंचल में दूध आ गया, जब आपको दांत आए तो दूध कहां चला गया? भगवान ने हर किसी की चिंता करके रखी है। हम मूर्ख हैं जो चिंता कर रहे। अरे चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता करोगे तो चीता पे चले जाओगे, नहीं, और चिंतन करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान की लीला और गुण को सुनकर आज देखिए पवित्र धाम, पवित्र नगरी, 2 साल से यात्रा बंद, पचमढ़ी नागद्वार में 9 लाख पोहा जाता था, 9 लाख, और इस बार केवल बड़े द्वार तक कलेक्टर साहब जाकर के पूजा करके आए, केवल कलेक्टर साहब। ये कोरोना महामारी ने हमारी पूजा, हमारा धर्म, हमारी यात्रा सब बंद करा दी साहब, मुंह पे पट्टी लगा दिया, मुंह पे पट्टी, पहले बैलों को लगती थी, नहीं अब तो मनुष्य को लग रही। क्यों? बैल कट रहे ना, गौ हत्या हो रही है ना, लोग बात भक्षण कर रहे ना साहब। कोशिश करो, जीवन में ये जन्म है ना, बार बार नहीं आता। क्यों खाते हैं मांस? मांस खाना छोड़ दोगे ना तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, पशु वध बंद हो जाएगा। हम खाएंगे नहीं तो लेगा कोई? लेगा कोई? नहीं लेगा ना, जब खाएंगे नहीं तो लेगा नहीं। और कम से कम इतना तो प्रयास करे, सुंदर दिया है फल, सुंदर फल दिया है, गौ माता का दुग्ध पान करो, खूब गौ माता की सेवा करो। क्यों? अगर हम आज भी देखो, हमारा हिंदू सनातन धर्म है ना, बहुत सरल है साहब, कोई भी आता है कोई भी धर्म परिवर्तन करा देता है, कोई भी आवे और अपना धर्म का सिक्का हम पर लगाकर चले जाता है, हम इतने सरल है। मत भूलो कि हमारे भगवान भी सनातन धर्म को मानते हैं, हम सबको मानते हैं, पर पूछते केवल राम को, पूछते केवल कृष्ण को, पूछते केवल महादेव को, पूछते केवल हनुमान को। अरे जिसने देखा ही नहीं, हमारे हनुमान जी को भी बांट दिए लोगों ने, एक अगरबत्ती वाले, एक अगरबत्ती लेकर जाओ, हनुमान का प्रसाद, प्रसाद भी नहीं लेते था। और उसमें देखिए कितना विडंबना है, आप पी नहीं सकते, खा सकते हो। हनुमान वाले क्या कहते मालूम है? आप पी नहीं सकते पर खा सकते हो। क्या मेरा हनुमान जी मांसाहारी था? बोलो जी, शुद्ध शाकाहारी है। अरे जो बंदर सीता फल नहीं खाते, जो बंदर राम फल नहीं खाते, गौ माता के तुमने मांस रख दो तो नहीं खाती,
गाय के तामने मात्र को तो नहीं खाती, तेर के तामने मात रख दो तो खाता है, पर घात रख दो तो खाएगा क्या? पर धन्य है मानव जीवन, हमारे तामने कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, सब चलता है। चलता है कि नहीं बोलो जी? सब चलता है। क्यों, कहां जा रहे हैं हम लोग साहब? अगर हम नहीं बदले ना, गायत्री वाले आज भी कह रहे युग बदलेगा, युग बदलेगा, युग बदलेगा। अरे कब बदलेंगे? जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। नहीं, ताली नहीं बजाए लगता है। हमको बदलना है, हमको बदलना है, स्वयं को बदलना है। स्वयं बदलो। कबीर दास जी ने कहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब दिल खोजा आपनों तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या दूसरे को बुरा कहना, उनमें चार गुना बुराई है। एक गुना बुराई है तो तुझमें चार गुना बुराई है साहब, चार गुना। इसलिए दुनिया मत बदलो, खुद को बदल जाओ। अगर खुद को नहीं बदलोगे तो अन्य लोग बैठे हैं हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए। फिर से वही राष्ट्र एक गुलाम ना हो जाए, फिर हम किसी की गुलामी में ना बन जाए। इसलिए हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म को मानते, हम सबको मानते, सब में सबको प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं हम। पर क्यों, क्यों भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, आपस में बैर करवाया जा रहा है? क्यों भैया? बस मानो तो अपने भगवान को, अपने इष्ट को। हमारे भगवान में इतना बल है कि अन्य देवताओं के पास जाने की हमको जरूरत नहीं है। क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हो? बदल जाओ, मत जाओ कहीं। देवादिदेव महादेव की नगरी है, जो भगवान मृत्यु को भी विजय प्राप्त करवा दे। मृत्यु के काल में चले जाओ तो ब्राह्मण कहते मां मृत्युंजय करो, और मृत्युंजय के शरण में बैठे अच्छे विचारों में चलो, प्रेम से बोले जयत्री राधे। एक बार अपने भारत माता की जय लगाएंगे सभी। बोले भारत माता की जय हो। और सिर्फ एक अंतरा गाऊंगा, राष्ट्रभक्ति देवभक्ति गीत। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिस भूमि पर हम पले बढ़े हैं, आज उस भारत माता को प्रणाम करते हुए आइए। कहते हैं जहां डाले डाले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि हरि नाम की जपते माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऋषि मुनि के ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा की बाला, और राधा हरि के बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके
डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा बोलो भारत माता की जय हो जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाला हरिओम 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 जहां डाल डाल पे जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाला जहाँ किसी नगर और किसी घर में कोई न डाले ताला अरे कोई न डाले ताला जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए मुरली वाला वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा 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 जय भारती जय भारती बोलो भक्त बक्षल भगवान की अच्छा जय ताली बजाने एक बार बोले भारत माता की जय हो साधु संतों की भूमि देवताओं की भूमि ऐसे भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है और आज सुनते हैं कि देखो महात्माओं को हत्या करने पर विवश होना पड़ा मरना पड़ा कई महात्मा आत्महत्या कर रहे हैं अभी अभी आपने सुना है ना महात्माओं ने हत्या कर ली स्वयं आत्महत्या कोरोना काल में पाला घर से साधु लोग जा रहे थे बेचारे बच्चा चोर समझ करके साधुओं को पकड़ पकड़ कर इतना मारा कि मार हत्या कर दी साधुओं पर षड्यंत्र हो रहा है गौ माता कट रही है मंदिरों के पट खुलते नहीं कोरोना काल में सबसे पहले मधुशाला खुली है मंदिर के पट बंद रहे आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा राष्ट्र कहाँ जाएगा देश वाले बाहर देश वाले आज भी हमारे देश पर विचार करते हैं कि भारत के लोग जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं आज उस भारत में प्रेम कम हो गया आपस में लड़ते हैं आपस में लड़ रहे हैं भाई भाइयों में फूट हो रही है कौन सी कूटनीति हो रही है गरीबी के बुरे हाल है और जिसके पास जाओ ते केवल लूटने में लगा हुआ है केवल लूटने में कैसा चलेगा अगर आज हम नहीं बदले ना हमारे बच्चों को हमारे बच्चे हमारे पीढ़ियों को बहुत बुरे दिन देखना होगा बहुत बुरे दिन क्योंकि कलयुग की उम्र 4 लाख
32,000 वर्ष की आयुष्य है कलयुग की, 5,500 वर्ष हुए अभी लग करके। महाराज आज से 25-30 साल पहले नदियां बहती थी, 25-30 साल पहले जो आनंद था, शादियों में जाते थे 15-15 दिन मामा के गांव में रहते थे, नहीं नाना के गांव मामा। अब तो सुबह जाओ शादी में, शाम को पार्टी करो, वापस आ जाओ। कोरोना ने आपको जीना सिखा दिया, कितनों का घर बर्बाद हो गया कोरोना पे, बूढ़े मां बाप पड़े, जवान लड़का चला गया, एक ही एक लौते संतान चली गई, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी के पिता गए, किसी की माँ गए, किसी का दोस्त गया, किसी बहन गई, किसी का भाई गया, हजारों लाखों लोग चले गए। अब कुछ राहत मिली है तो महंगाई ने ऐसा लूट लिया था, ऐसा लूट लिया कि मध्यम वर्ग की तो कमर टेढ़ी हो गई है, बड़ों के पास है तो मिल गया, गरीब कहीं भी चले जाएंगे तो हाथ पतार लेंगे, लेकिन जो बीच वाले वो शर्म के मारे ना मांग सकते ना किसी से कुछ कह सकते। जानते हो मैं कथा जरूर करता हूं, ये 303 कथा है ये मेरी, लेकिन आज भी एक कथा का मैं दान कर रहा हूं, 1 रुपया भी मैं कथा से नहीं ले रहा हूं, भगवान जानते हैं, 1 रुपया भी इस भागवत से नहीं ले रहा हूं मैं, बचे तो लेवे ना, बचे तो लेवे, ऊपर से 65,000 रुपये मुझसे मांगा गया है कि महाराज जी कम जा रहा है आप दे दो, क्यों व्यवस्थाएं में, ये जो व्यवस्थाएं होती है ना कहां से करेंगे, लोग कम है, पैसा कम आया है, और धन की महिमा है किसको कहते मांगे, कई लोग परेशान है बेचारे, कई लोग परेशान है कहां से देंगे। अरे वो 1,100-1,500 रुपए भी देते ना, सचमुच के मेहनत का दान है वो, जो वृंदावन का दान का पैसा है हम उसको 1 रुपया को भी छूते नहीं है। हमने भी 6-7 कथा वही है जितपे हमने पैसा वृंदावन के आश्रम के लिए मांगना शुरू किया है, और अभी तक हमारे पास केवल 90,000 रुपए जमा है, 90,000 रुपए। अभी बुंदेले परिवार में हमने कथा करी थी, वहां से हमको 30,000-35,000 रुपए हुए दान में, सबसे ज्यादा अगर पैसे मिले तो बुंदेले परिवार की तरफ से, बाकी कितनी कथा में 5,000 हो जाते हैं। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप विश्वास करो ना करो, कितनी कथा में 7,000 होते हैं, कितनी कथा में 10, अभी तक पहले हम मांगते नहीं थे किसी को, पर मैंने लगा तभी लोग अपना आश्रम बना रहे हैं, पर वो तो वृंदावन वाले हैं, हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में रहते हैं, क्यों ना हम भी अपने लोगों के लिए वहां आश्रम बनाए, कभी आप जाए तो लगे कि नहीं हमारे अपना आश्रम है करके हमने अभी बोलना शुरू किया है। जो भी पैसा होता है हम जमा कर देते हैं, और अब दीपावली में जो जमीन लेंगे भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से, तो वो आपका एक भवन बहुत जल्दी, मेरा सपना 2025 तक के है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, समय का क्या भरोसा, आज मैं कथा सुना रहा हूं कल ना सुना पाया तो, लेकिन फिक्र मत करना, जब तक मेरी आश्रम तैयार नहीं होगा तब तक तो मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि धर्म की रक्षा कब कह होगी, जब धर्म की रक्षा करोगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। सीबीएसई स्कूल में बच्चों को खूब पढ़ाओ, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे संस्कार भी तो पढ़ाओ, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 बोलने जाओ तो नहीं आता है इंग्लिश, क्या हमारे हमारी सभ्यता है, बोलो जी, भारत का रहने वाला हूं,
भारत के गीत गाता हूँ, भारत का खाता हूँ, तो भारत की बात मैं सबको सुनाता हूँ। हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदी बोलेंगे। शब्दों का बहिष्कार नहीं कर रहा हूं मैं। सिखाओ बच्चों को, अंग्रेजी पढ़ाओ, पर सबसे ज्यादा एक तरफ अंग्रेजी पढ़ने वाले को खड़ा कर दो और एक तरफ संस्कृत को पढ़ने वाले को, दोनों को बोलने लगाओ। वो फड़ाफड़ अंग्रेजी बोलेगा, ये फड़ाफड़ हमारे संस्कृत के श्लोक पढ़े बोलेगा। मन किसके तरफ झुकेगा आपका, अंग्रेजी वाले के तरफ या संस्कृत वाले के तरफ? संस्कृत वाले के तरफ ना, आपको लगेगा ये विद्वान है। हमारी प्राचीन अगर भाषा है तो वो संस्कृत है। अभी अभी सरकार बच्चों को संस्कृत पढ़ा रही है। विदेशों में जाकर देखो, बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कृत के टीचर रखे और संस्कृत के टीचरों को 5-5, 4-4 लाख रुपए महीना की तनख्वाह है। वो लोग बदल गए। जाके देखो इस्कॉन मंदिर में, पहले ढंग से कपड़े नहीं पहनते थे, अब पूरी साड़ी पहनते हैं। और हम लोग ऐसे कपड़े पहनते कि जो देखने में लोगों को लाज आती है। भैया मर्यादा का पल्ला कभी मत भूलो। नहीं, जितने सुंदर अच्छे कपड़े पहनोगे उतने अच्छे लोगों, ये क्या पटे टूटे पे, कभी कभी लड़के ऐसा जींस ऐसे कपड़े पहनते फटे फटे, पूछो उनको ये क्या है, बोले गुरुजी फैशन है ये फैशन। अरे खाक लगे फैशन को, हाँ भैया क्या फैशन है ये। कभी कभी कोई पिक्चर देख ले तो ऐसे वैसे कटिंग कटाते हैं, पूछो भैया क्या है, तो बोलते हम गजनी है। अरे काहे के गजनी हो तुम, प्रेम से बोल जैत्री राधे। हाँ ठीक है, मिलिट्री कट कटाओ। नहीं, कभी कभी तो लगता है कि मुर्गा ही बोल रहा है, बिल्कुल यहां से यहां तक, इधर पूरा सपा बीच में बाल, अच्छी खासी तक। भगवान ने शक्ल सूरत तुमको दी है, सुंदर दिखते हो और सुंदर दिखने में भी अपने आप को बदसूरत बना देते हो। कोशिश करो, भगवान तुम्हें बहुत सद्बुद्धि दे, सबका मंगल हो। भगवान की 16108 शादी है, सब कथा तो बहुत सबने सुनी है। 8 पटरानी है और 16100 वेदों के ऋचा हैं, उनसे भी भगवान के 10-10 बेटा 1-1 बेटी। भगवान का बड़ा परिवार, कितना बड़ा परिवार है। भगवान ने 16108 रानियों को कहते संभाला, जरा तुम 2-4 को संभाल के तो देखो, अक्कल ठिकाने आ जाएगी। बिचारी एक ही है, तो जब बिचारा वापिस से घर जावे ना, तो पहले किसी से डर ना लगे, पत्नी से लगे, ओ आ गए, हाँ आ गयो, शक्कर नहीं लाए, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, आटा नहीं है, चावल महंगाई, बोले मैं, पत्नी बोले मैं, बच्चा बोले मैं, पति बोले घर में आऊच क्यों। पर भगवान की लीला देखो, इतनों के साथ रहकर भी। अच्छा एक बात बताओ, मेरा प्रभु कृष्ण योगेश्वर है कि नहीं? 16108 रानी है, उनके साथ रहकर भी भगवान ने उनका भी त्याग कर दिया है। किया कि नहीं किया बोलो? भगवान की प्रियतमा श्री राधा जी है ना। भगवान ने ब्रज में राधा को छोड़ दिया, प्रिय बांसुरी है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, अधरों से लगाते, आंखों के पलकों से बांसुरी को झाड़ना देते, बांसुरी उठाकर श्री राधा जी को दे दी, भगवान ने बांसुरी को भी त्याग कर दिया। जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक भगवान ने अपने चरण में चरण पादुका नहीं पहनी। बताओ, मेरी गैया नहीं पहनती, मैं क्यों पहनूं? भगवान ने अपने माता पिता का भी त्याग किया, जन्मे कैद खाने में, जेल में, नहीं आए गोकुल में,
और जब गोकुल से जब भगवान वृंदावन आए, अब वृंदावन से मथुरा आए, वापस वृंदावन नहीं गए वापस। भगवान ने कितना त्याग किया है, सखा त्यागे, गैया त्यागी, मैया त्यागे, सब कुछ छोड़ते ही गए। ऐसा संपूर्ण योगेश्वर भगवान कृष्ण जगत का गुरु है। भगवान जब युद्ध के लिए एक तरफ अर्जुन और एक तरफ दुर्योधन भगवान से मांगने गए, तो भगवान ने बोला भैया किसको मांगोगे, मुझको या मेरी सेना को? दुर्योधन को भी भगवान के दर्शन होते थे, है ना, पर भगवान को भगवान नहीं समझ पाया। भगवान की सेना मांग ली, और अर्जुन ने किसको मांगा, भगवान को मांगा। 100 पुत्र 100 भाई दुष्टराष्ट्र के सबके तब मारे गए, पर जिसके साथ मेरा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण था वो पांडव का कोई बाल बाका भी नहीं कर सका, पांडव का बाल बाका भी नहीं कर सका। क्यों? उनने भगवान को मांगा था। और हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, घोड़ा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, मोटर दे दे, नौकर दे दे, चाकर दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पैसा दे दे, है ना, सब कुछ दे ही दे। भगवान बोले इतना मांग तो है, तो तू आता ही क्यों है? नहीं, भगवान के पास थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ो तो फूल, थोड़ो सी अगरबत्ती, इतना तो लेकर जाएगा और इतना मांग कर लाएंगे। क्या भगवान को समझता नहीं कि भगवान आपसे, आपको क्या चाहिए? नहीं समझता भगवान को, वो सब जानते हैं। भगवान से कदापि कुछ मत मांगो। भगवान को मांगना है ना, तो भगवान से ही भगवान को मांग लो, हे लाला, हे कृष्ण, बस तू आनो चावे ना तो गरीब की कुटिया में आ जा, एक बार तो आ जा, कुछ मत मांगो, केवल भगवान को निहारो तो सही, भगवान को निहारो सही, वो तुम्हें वो देंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं है। मांगोगे तो वही मिलेगा ना जो आपने चाहे, और नहीं मांगोगे तो भगवान आपको वो देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। गोविंद के शरणों में जाकर के तो देखो महाराज, आज भगवान कृष्ण का बचपन का सखा सुदामा, कृष्ण सातित सखा कच्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम, बचपन का तखा है पर गरीब है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो है जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है पर भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं, उतने बड़ा दरिद्र संतार में कोई नहीं। सुदामा के तन दुबलो पतलो वाको शरीर, धोती फटी है, गांठ लगी है, पर भगवान का नाम जपते है। सुदामा की पत्नी देखो सुशीला, जय तो वाको नाम है, ऐसा ही उसका काम भी है। सुशीला भी कभी शिकायत नहीं करती अपने पति को, कभी शिकायत नहीं करती है। पर आज सुशीला रोती है, आंखों में आंसू है, सुदामा जी के पास जाती है, कहती नाथ मैं मानती हूं गरीबी के बुरे हाल है,
पर बच्चे भूखे हैं, एक अन्न का दाना भी नहीं है। माँ भूख लगी, माँ भूख लगी। महीने में दो एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष की। द्वादशी को हम जाकर भिक्षा मांग कर लाते हैं, पर आज विधाता ने देखो हमें एक अन्न का दाना भी नहीं मिला है। सुदामा का नियम है, वो जितना चाहते हैं भगवान उन्हें देता। तीन घर के अलावा कहीं जाते नहीं है। और एक बारी कहते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इतना ही कहते महाराज। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज सुशीला कहती है नाथ तुम्हें भगवान की याद नहीं आती। आज सुदामा कहते हैं सुशीला आज दुख के समय तूने मुझे दीनानाथ की याद दिलाई। दुख के समय दीनानाथ की याद दिलाई सुशीला, तू धन्य है। सुशीला कहती नाथ मैंने सुनी है कि बचपन को सखा तुम्हारा आज कृष्ण द्वारकाधीश है। बोले हां है, पर सुशीला मैं कहते जाऊं उनसे मिलने के लिए, मैं कहते जाऊं मित्र से मित्र के पास अगर मिलने जाऊं तो घर में एक अन्न का दाना नहीं है। सुशीला कहती है नाथ जानो चाहते हो? बोले हां मैं व्यवस्था करती हूं। आज सुशीला पीछे के दरवाजे से जाकर तीन मुट्ठी तांदुल मांगती है, चावल मांगती है। किसी का चावल पतला है, किसी का चावल मोटा है, किसी का चावल सुंदर है। जो चने खाए थे ना सुदामा ने कृष्ण के भाग्य के हिस्से के, वो कपड़ा रखा था घर में, वो कपड़े में तांदुल की पोटली बांधती है, तांदुल बांध के देती है, चावल बांध के देती है। और जैसे ही चावल बांध कर देती है और कहती है नाथ दीनानाथ के पास जा रहे हो? बोले हां। दीनानाथ के पास जा रहे? बोले हां। बस सुशीला कहती है मन में हे दीनानाथ कभी किसी को इतनी गरीबी मत दो कि तुझको देने के लिए भी किसी से मांगना पड़े, तुझको देने के लिए भी मांगना पड़े, ऐसी गरीबी मत। सुशीला तीन मुट्ठी तांदुल की पोटली लाकर आज सुदामा के हाथ में रखती है। दुबलो पतला वाको शरीर, एक एक हड्डी चमक रही है, पूस का महीना है। सुशीला को आज सुदामा जी हाथ रखते हैं उनके मस्तक पर और कहते देवी तू धन्य है, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, मैं आता हूं द्वारकाधीश से मिलकर। सुदामा एक एक कदम एक एक पल भगवान की याद में तांदुल की पोटली लेकर चलते हैं। चलते 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 सुदामा जी थक जाते हैं और हाथ के तकिया को सहारा लगा करके सो जाते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को पहुंचा है और रातों रात सुदामा द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं। प्रातकाल की बेला हुई,
सुदामा की आग खुली तो द्वारका पहुंच गए। किति से पूछा, भैया ये बताओ ये गांव कौन तो है? भैया ये तो गांव द्वारका है। अच्छा यहाँ को राजा कौन है? बोले द्वारकाधीश। भैया बताओ तो ये द्वारकाधीश कृष्ण मेरे बचपन को तका वो कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? बोले सामने को जो महल दिख रहा है ना, वहीं पर महल पर रुक्मणी के साथ भगवान द्वारकाधीश विराजते हैं। आज सुदामा आए और द्वारपालों के पास खड़े हुए और द्वारपालों से कहते, अरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीब ये हो कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, जय हो। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो ओहो कन्हैया से कह दो श्री राधे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीबा गया है। दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते ओहो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। हाथों की ताली कितनी हो रही थी। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, ओहो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा, ओहो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन ओहो से जा करके कह दो श्री राधे। एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। कि सुनते हैं दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते हैं दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से
सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा अच्छा? मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो हो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है सुदामा गरीब बैठकर भगवान की जय हो इरादे बराबर से अपनी सुदामा बिठाए बराबर से अपनी सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर से अपनी सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए ओ बराबर से अपनी सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जय हो सदा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया दर पे सुदामा करीब आ गया दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया शीशे पगाना जगातन पे अरो पाहे उपा हिने को नहीं श्यामा धोती पटीती लटी दुपट्टी प्रभु जाने को आई बतो यही धामा एते बिहाल बिवाई न तो पुन कंटक जाले लगे पुन जोए हाय महादुख पायो तका तुम आए इतेना किते दिन खोए देखे सुदामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पर आगे को हाथ छुओ नहीं नैन के जल ते पग धोए पानी पर आगे को हाथ छुओ नहीं नैन के जल ते पग धोए पानी पर आगे को हाथ छुओ नहीं नैन के जल
ते पग धोए पानी परते को हाथी चुनो नहीं मेरे नीचे ते पग धोए देखे सुदामा की दीन दशा देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परते को हाथी चुनो पानी पर आगे को आते छुआ नहीं नैन के जल से पग धोए। आज प्रभु ने देखो तो सही गरीब विप्र ब्राह्मण सुदामा भगवान से मिलने के लिए नंगे पाव गया है। भगवान ने अपने आसन पर बिठाया, भगवान ने अपने आंखों के आंसू से सुदामा के पग धोए। एक एक कांटा लगा है सुदामा को, पूरे कांटे भगवान ने अपने हाथों से निकाला। भगवान कहना चाहता है कि जो जीव मेरे पास चलकर आते हैं उसके जीवन के हर कांटों को मैं ही निकालता हूं। मेरे पास आकर तो देखो, एक कांटा भीतर चला गया तो भगवान ने अपने दांतों से निकाला है। सुंदर वस्त्र पहनाए, हालचाल पूछा, मित्र तेरा ब्याह हो गया? बोले हाँ द्वारकाधीश कृष्ण, मेरा ब्याह हो गया, तेरो भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा ये बता, तूने ब्याह करो कि नहीं? भगवान बोले एक होती तो बताए, दो होती तो बताए, तीन होती तो बताए, चार होती तो बताए। भैया जितनों भी दिख रहे हैं ना, ये तब की तब तेरी भाभी है, सब की तब तेरी भाभी। बोले बता तो तूने कितनों ब्याह कर दिया? बोले हाथ जुड़वाने, प्रणाम विप्र ब्राह्मण हो, मैं अभी बुलाता हूं पैर पड़वाने, अब आए। अरे ओ रुक्मणी आओ प्रणाम करो। रुक्मणी कहती प्रणाम, मैं द्वारकाधीश की पत्नी, मेरो नाम रुक्मणी। दूसरी आई प्रणाम, मैं जामवंती, इनकी दूसरी पत्नी। तीसरी आती है, मैं सत्यभामा प्रणाम। चौथी कालिंदी प्रणाम, मैं चार। अब सुदामा एक तरफ तो द्वारकाधीश को देखे, एक तरफ इनकी पत्नियों को देखे। बोले भैया कितनी है? बोले भैया कितनी गिनाओ। बोले अभी तक तो बस आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, भाव भाव करते करते अब सुदामा जी भो भो करने लगे। भैया अभी तक कितनी हो गई? बोले कुछ नहीं, अभी तो हजार हुई है। अच्छा भैया तूने तो बड़ी तरक्की कर ली, हजार ब्याह कर दिए, और कितनी है? बोले अभी तो 2000 हुई है। अच्छा लाला, बस भैया ऐसे ही आशीर्वाद है कि तू तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते है। 10000 हो गई, अब तो कन्हैया अब तो हमसे आशीर्वाद भी दियो नहीं जाएगो। ए तो कर, ये तारी तेरी पत्नियां है ना, ओको कलश को तू हाथ लगा दे और तू ही पग धो ले। भगवान ने तारी रानियों से हाथ लगवाया, 16108 रानी कलश को हाथ लगाकर सुदामा का स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मोतियों की माला पहनाई। सुदामा आज भगवान के द्वारकाधीश के महल को देखकर बड़े आनंद में रहते हैं। बचपन की बातें ताजा हो जाती है और बातों बातों में मेरे द्वारकाधीश पूछते, अरे सुदामा ये बता तू तो इतने दूर आया है, मेरे लिए कुछ लाया या नहीं? अब तो महाराज आफत लग गई गले, कहते करे बड़े बड़े घर की रानियां हैं, पटरानियां हैं, और इनके सामने हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कहती पोल पट्टी खुले तो मालूम भगवान ने आओ देखा ना ताओ, बगल में छुपा रहे थे तांदुल की पोटली। भगवान ने द्वारकाधीश ने सुदामा के बगल की तांदुल की पोटली खींच ली, एक गांठ खोली दूसरी गांठ खोली,
तित्री गाठ खोली, जीव के तारे बंधन की गाठ खोल दिए भगवान ने। भगवान समझ के आप तो दामा मेरे लिए तांदुल लेकर आया है, भगवान के लिए आया। भगवान ने एक मुट्ठी तांदुल लेकर के एक लोक का राज्य दे दिया, एक लोक का राज्य। दूसरी मुट्ठी खोली, दूसरी मुट्ठी लेकर दो लोक का राज्य देने गए, दे दिए। और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जाकर हाथ पकड़ती, मत खाओ कच्चा है पेट दुखेगा। भगवान द्वारकाधीश बोले तेरा क्यों पेट दुख रहा है? बोले विप्र पर इतना मत लुटाओ, ये ब्राह्मण है, बोल गए जितने आपके वक्ष स्थल पर जोरदार लात जमाई थी। भगवान बोले लात जमाई थी ये याद है, पर तेरा प्रेम पत्र लाने वाला भी तो विप्र ब्राह्मण ही था। अगर तेरा प्रेम पत्र लेकर के ब्राह्मण नहीं आता तो तू आज मेरी रानी नहीं, मेरी पटरानी तो कोई और होती। तब तीसरी मुट्ठी तांदुल लेकर के आज रुक्मणी खाती कि प्रभु हे द्वारकाधीश, जो तेरी कथा सुनाएगा मैं वचन देती हूँ मैं उसे कोई कमी नहीं करूंगी। और तीसरी मुट्ठी खाकर तीनों लोक का राज्य आज भगवान ने स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी ने सुदामा को दे दिया। हालचाल पूछे, बातचीत हुई, सुंदर भोजन किया। एक निवाला खाते है तो सुदामा की आंखों में आंसू आते कि मैं यहाँ पर तो इतना 56 प्रकार का भोग पा रहा हूं पर मेरे बच्चे भूखे हो गए। विचार करते मोतियों की माला है, अगर ये मालाओं को बेच दूंगा तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने जो सुदामा को दिया बता करके नहीं दिया। भगवान जब जीव को देते ना बता करके नहीं देते, बस जीव है जो थोड़ा देता है तो कहता है कि मैंने दिया है। ये जीव संतार की आदत है। महाराज भगवान ने वही कपड़े, पुराने कपड़े दिए। आज सुदामा को विदाई करते हैं। सुदामा द्वारका से निकलकर आज अपने गांव जाते हैं। क्या देखा? सुदामा की कुटिया थी, सुदामा के बड़े बड़े महल बन गए। सुशीला दुबली पतली थी, खाते पीते सुशीला बन गई। आज द्वारकाधीश के मिलने के बाद सुदामा कहते, मैंने भगवान के दर्शन किए चाहते थे, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और तुझे धन चाहिए था, तुझे धन मिल गए। अब सुशीला मुझे इस महल में नहीं रहना है, मैं जंगल में जाकर भगवान को भजन करूंगा। जैसे सुशीला और सुदामा जाने लगे, उसी घर के भीतर में से द्वारकाधीश की मूर्ति में से शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले द्वारकाधीश प्रकट हो गए और आवाज लगाई, सुदामा सुदामा। भगवान को पीछे पलट करके देखा तो द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा बरताई। बोले हाँ क्यों ना बरताता कृपा तुझ पर, तुम मेरे पास कदम नंगे पाँव चलकर आया, मैंने तुझे सब कुछ दिया। ऐसे सुदामा चरित्र को विश्राम करते हुए आज सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बड़े आनंद की कथा सुनाते हैं। और देखो भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का गुणगान। सुखदेव जी भगवान कहते, परीक्षित समय रुकता नहीं है, समय बड़ा बलवान है ना, समय चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। महाराज इधर भगवान द्वारकाधीश के 16108 रानी, 10-10 बेटा, बड़ा परिवार, 56 करोड़ तो भगवान के वंशज हुए। भगवान ने अपने बेटों को समझाया, बेटो जो संत होते ना वो मेरे स्वरूप है, कभी संतों का अपमान मत करना। महाराज संतों का अपमान मत करना। और देखो जामवंती का पुत्र है शाम्ब, उसको जनानी साड़ी पहनाकर पेट पर कपड़ा बांध करके ऊंचा था, आज कहां जाते जानते हो? ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये गर्भवती है इससे बेटा होगा या बेटी होगा? ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी है, महात्मा ने कहा अरे कृष्ण के बेटे होकर संतों का उपवास करते हो, जा ना बेटा होगा और ना बेटी होगी, कपड़ा हटाकर देखो
तो लोहे का मुसल निकलेगा और लोहे का मुसल यदुकुल का पूरा संहार कर देगा। भगवान ने ही संतों के हाथ से अपने बालकों पर श्राप लगा दिया। क्यों? दारुण कलयुग आ रहा है, मेरे बच्चे उद्दंड ना हो। महाराज लोहे के मुसल को पीस पीस करके समुद्र में फेंक दी, एरखा नाम की घास हो गई। आपस में लड़ झगड़ करके मारे गए, मीट गए। और उसी बीच में राजा नुग की कथा बताते हैं। राजा नुग महाराज एक बार कृष्ण के बेटे भी जंगल में गए थे, कुएं में बहुत बड़ा गिरगट को देखा, गिरगट को देखा। बच्चे दौड़ करके पिता के पास आए और कहा कि पिताजी वे कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगट है। भगवान ने जाकर उस गिरगट को हाथ लगाया तो राजा नुग अपने रूप में आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान के हाथों से राजा नुग का उद्धार हुआ। भगवान ने अपने बेटों को बताया कि बेटो ये राजा नुग जानते कौन है? ये बड़ा धर्मात्मा राजा था, ये ब्राह्मणों को गाय दान करता था, गौ दान करता था, इसका नियम था। एक दिन गाय दान करी और वो गाय ब्राह्मण को दान करने के बाद वापस राजा के महल में आ गई। राजा ने ये गाय को उठाकर दूसरे ब्राह्मण को दे दी। ये ब्राह्मण जब वो गाय लेकर वापस जा रहा था तो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा भैया ये गैया तो हमारी है, आपको कहां से मिली? बोले मुझे राजा ने दी। बोले राजा ने मुझको दी थी, और एक गाय का दो बार दान ये कैसे हो सकता है? दोनों आपस में लड़ते लड़ते राजा के पास गए। राजा को पूछा राजन एक गाय का दो दान कैसे कर सकते हो आप, दो बार दान कैसे कर सकते हो? जो गाय आपने मुझको दी थी, आपके पास आई थी, आपका कर्तव्य था, आपने मुझे वापस करना था, आपने वापस नहीं किया और एक गाय आपने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। उसी समय राजा नुग कहता है अरे ब्राह्मण क्या भूल गया? अरे ये जो गाय जितनी भी तुम्हारे पास है ये हमारी दी हुई है। राजा नुग को अभिमान आ गया कि जो दान है वो मैं देता हूं। ब्राह्मणों को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले राजा होकर के तो भेद बुद्धि रखता है और अपने वचन को बदलता है, तो गिरगट की तरह रूप बदलता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो गिरगट बन जा। राजा नुग को गिरगट बनने का श्राप दिया। जो वचन बदलता है वो गिरगट बनता है। राजा नुग ने ब्राह्मणों को क्षमा मांगा तो राजा ब्राह्मणों ने कहा यदुकुल में जब भगवान का अवतार होगा उनके हाथों का स्पर्श लगते थे तुम इस योनि से छुटकर परम धाम को चले जाएंगे। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। इधर यदुकुल का संहार कहते होता है, आपस में कृष्ण के बेटे लड़कर झगड़ करके मर गए और एक कील बची थी जो समुद्र में फेंकी थी, मछली उसको निगल लेती है। मछली को पकड़ता है कौन? एक भेलिया, और भेलिया ने उसको अपने तीर में लगा लिया, बाण में लगा लिया। और एक दिन भगवान द्वारका और सोमनाथ के बीच में भगवान का अपना तीर्थ है, भालका तीर्थ। उस भालका तीर्थ में भगवान पीपल वृक्ष के नीचे एक पैर दूसरे पैर पर रख करके बैठे थे, पर भगवान के चरण को मृग की आग समझ करके भेलिया ने तीर चलाया हो, वो तीर जाकर सीधा भगवान के चरणों में लगा। और जाकर वो भेलिया कौन है? वही बाली है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा नाथ मोहे किस कारण मारा? बोले भाई भाई की दुश्मनी थी, प्रभु श्री राम आपने मुझे क्यों मारा? बोले भगवान बोले इस जन्म मैंने तुझको मारा तो अगले जन्म में आकर मुझको मार देना। वही भेलिया बाली भेलिया बनकर आए, भगवान पे तीर चलाया, भगवान के पैरों में तीर लगा। उद्धव अर्जुन आकर के रोने लगे प्रभु ये आप कहाँ जा रहे हो? बस आप लीला समाप्त करके जा रहे हो? प्रभु बोले मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, ये तो सारी मेरी माया है। भगवान ने अपने माया का दर्शन कराया और शंख चक्र गदा प्रभात क्षेत्र से जाने लगे। भगवान प्रभात क्षेत्र से गोल गोल घूमकर बोले उद्धव अर्जुन मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो जाकर
कली काल के मनुष्य के मंगलमय के लिए भागवत जी में जाकर विश्राम करूंगा और भगवान गोल गोल घूम करके आत्मा निकल करके आकर के भागवत जी में विश्राम करती है और ये भागवत का जो दर्शन करता है उसका सारा जीवन मंगलमय बन जाता है। आकर के भगवान ने भागवत जी में जाकर विश्राम किया करके ये पोथी नहीं, ये कोई मनोरंजन नहीं, भगवान की साक्षात कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम है जो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पति के लिए, कितने अपने माँ के लिए, कितने अपने पिता के लिए, कितने अपने भाई के लिए, कितने अपने सका के लिए ये अनुष्ठान कराया। आज भगवान की पंचवटी पचमढ़ी में ये कथा सप्तम दिवस की कथा पूर्ण होने जा रही है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तक्षत भी आएगा, तुझे डस लेगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित कहता है प्रभु मरेगा मैं कैसे मरूंगा, जितने अमर कथा का आश्रय लिया भला वो मरने वाला थोड़ी ना है। जैसे एक मटका है उस पे पानी भरा है और उस मटके में देखो तो क्या दिखता है, आकाश दिखता है और आकाश घड़े में भरा है और घड़ा फूट गया तो आकाश मिलकर घट आकाश में मिल जाता है। ये मटकी रूपी मटका जब फूट जाए तो आत्मा जाकर के परमात्मा से मिल जाती है। आत्मा अजर और अमर है। आपने 7 दिन तक कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य किया। आज राधा कृष्ण कृपा निकुंज सेवा समिति के तत्वधान में, नागपुर के तत्वधान में आपने इस कथा का स्वादन किया है। सुभारती टीवी के माध्यम से, देश में विदेश में दूर दराज में बैठकर, अपने घर में बैठकर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपने कथा सुनी है। मेरे कथा कहने में या मेरे कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करना। 7वां दिन है कथा का, सप्ताह का 7वां दिन और आज हम लोग भगवान की नगरी में बैठकर कथा को रसवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम करने का समय आया। आज उसी समय श्री सुखदेव जी भगवान की पूजा राजा परीक्षित करते हैं और अंतिम श्लोक भागवत जी का करते हुए कहते नाम तम कीर्तन यश नाम तम कीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। मैं प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए आज भागवत की कथा विश्राम होने से पूर्व हमारे मथुरा से पधारे हुए हमारे दादा स्वरूप यहाँ विराजे हैं। आयोजक समिति से मैं कहूँगा कि मथुरा से आए हुए स्वामी जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करें। साथ में महाराज जी भी आए हैं जटा शंकर से, पचमढ़ी से रघुवीर दास जी, उनका भी स्वागत करें। और प्रभु श्री राम मंदिर से आए हुए, राम मंदिर से महाराज जी आए हैं, उनका भी स्वागत करें। आज कथा के सप्तम दिवस में बड़े भाव से इस कथा का रसवादन करते हुए आइए हम विदाई की ओर चलते हैं और इधर स्वागत की वेला चलते रहेगी। आइए सभी अभी बैठ जाएं, सभी तो सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, पहले तो अभी आरती नहीं हो रही, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, विदाई की वेला है आज। हाँ। कथा का सप्ताह का 7वां दिन, सभी बैठ जाएं। और जैसे कि महाराज जी ने बताया, आप सभी ने माता बहनों से निवेदन है, सभी बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाएं। 7 दिन की कथा आपने श्रवण करी महाराज जी से, उनकी अमृतमय वाणी के द्वारा आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अमृत को पान किया। आइए आज विदाई की वेला है और आज से पहले हम आपको नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन ये 7 दिन के अंतर्गत में ऐसा हो गया जैसे एक परिवार है। और ये सारे परिवार नागपुर जितने आए हैं, सौंसर जितने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि परिवार के जैसे। और विदाई तो विदाई होती है किसी की भी। कहते हैं सितारों की महफिल सजाते रहेंगे और ये खुशियों की सौगात लाते रहेंगे, वादा रहा हमारा आप सभी से
वादा रहा हमारा आप सभी से, आप बुलाते रहोगे हम आते रहेंगे, जय आप बुलाते रहोगे। विदाई की बेला देखिए, परिवार अब बन गया है, परिवार से जैसे दूर हो जाते हैं, आज भागवत जी के चरणों का आश्रय लेकर आज हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। भगवान की कृपा हो तो फिर मिलेंगे, जीवन रहे तो जरूर मिलेंगे। यादों की लहर छोड़ जाऊंगा, यादों की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल में के कहर छोड़ जाऊंगा, आज की बात रहेगी याद तुम सबको। जय हो। अभी कुछ देर बाद जब ये नगर छोड़ जाऊंगा, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और बोलेंगे क्या कहना है कि मिलन मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलने आज तक की कथा हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक की कथा हमारा तुम्हारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो। जय हो। सभी ने बहुत प्रेम दिया, हमारी बहन बड़ी बहन मृदुलकर मैडम जी और भाई ललित जी, देश पांडे जी और जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं, सभी ने बहुत प्रेम दिया। ऐसा लगा नहीं कि हम घर से बाहर हैं, 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ओ मिला आपसे जो हमें प्यारे तेना, मिला आपसे जो हमें प्यारी तेना, मिला आपसे जो हमें प्यारी तेना, मिला आप। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या, लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। जो आपको ये घुटने का तेल बताया है, प्रेम धाम आश्रम की एक ही उद्देश्य है कि हर घर में खुशी हो, प्रेम हो, रोग मुक्त हो सब लोग। ये घुटने का तेल कुछ ऐसा बनवाया है हम लोगों ने, आप लोगों में किसी ने यूज किया है, पहले हाथ खड़ा करो, बहुत। अब हाथ नीचे करो। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने घुटने का तेल यूज करने के बाद लाभ उठाया है, लगभग सब लोगों ने जितने लेकर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने का तेल, आप जो लोग कह रहे हो कि हमें घुटने चेंज करवाने हैं, बदलने हैं,
बहुत से लोग ऑपरेशन करवा के घुटने चेंज करवाते हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि 3 दिन सिर्फ इस तेल को लगाने के बाद अगर आपको फिर मन करे फिर घुटने चेंज करवा लेना। इस पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन में एक ऐसा रिजल्ट